नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल LSTV इंडिया में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम की ताजा अपडेट। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस जिले, किस राज्य के मौसम की जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में 23 से 26 मई तक झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, मगर आने वाले दिनों में मौसम का तेवर बदलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। राजधानी दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि यहां भी बारिश के आसार दिख रहे हैं। आज और कल बनी रहेगी हीटवेव की स्थिति। IMD ने कहा है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में 22 मई तक हीटवेव की स्थिति रहेगी, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज लोगों को हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों को 21 से 23 मई के बीच भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी हिमालय पर दस्तक देने की संभावना है, जिस कारण मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, यूपी समेत कई इलाकों में होगी बारिश। राजधानी दिल्ली में 23 से 26 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान राजधानी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली के साथ हुई उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में 23 से 26 मई तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और तेलंगाना के ऊपर केंद्रीय चक्रवातीय दबाव के कारण मौसम में यह बदलाव दिखेगा। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। उत्तराखंड में आने वाले 3 दिन बाद एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने 24 मई को प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई है। IMD ने कहा है कि इस दौरान मैदानी इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 26 मई के दौरान तेज आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। आज प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में लू का प्रकोप जारी रहेगा। 18 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी, लू और हीटवेव की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के बीच अगले 2 दिन लू के थपेड़े जारी रहेंगे। 2 दिन बारिश की संभावना से इनकार करते हुए गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कानपुर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। 23 मई को WD सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर बुंदेलखंड में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में लू का अलर्ट, जिन क्षेत्रों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है उसमें बांदा, चित्रकूट के अलावा औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कौशाम्बी शामिल हैं। इन सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मानसून के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। 1 जून के आसपास भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है। हालांकि इस बार मानसून 5 दिन की देरी से भारत में प्रवेश करेगा। ऐसे में 18 से 20 जून के बीच उत्तर प्रदेश में आने वाले मानसून के 25 जून तक क्षेत्रों में आने की संभावना व्यक्त की गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।